अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। और चलते हैं, मतलब कि चलते हैं साथ लेके, आपको चलती हूँ आज। ऐवे ही बस बैठे बैठे ना प्रोग्राम बना लिया कि चलो बच्चे ना मौज करा देवा। मैं कह के बैठी, मुझे पता ही नहीं था कि बाहर तुम निकल लगना तो तुम इंज ठंड के फंडे मुँह तो पैने ना। लेकिन मैं वो हाल हो गया था कि ना उधर जाऊँ कि ना उधर जाऊँ। तो सच्ची बात बताऊँ, मैं आपको ना जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पहुँच के दो तीन दफ़ा मैंने बच्चों को बोला भी है, पार्किंग नहीं मिल रही थी ना, तो वो मैं जाकर स्टोरी सुनाती हूँ। अभी हम जा रहे हैं वीस बार्डन। मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा चलो बंदे के चेंज हो जाता ना, अपनी सिटी में तो बंदा फिरता घूमता ही रहता है, पता होता है तो बंदे एवं बस नॉर्मल ना आइडिया अच्छा नहीं सी है, अपने शहर च ही रहो। अगर वही चीज़ें आपकी सिटी में मिल रही हैं तो फिर फजूल तेल लाना है, फजूल टाइम ज़ाया करना है, और ठंड में वो भी। बहरहाल मेरा फैसला थोड़ा जहा ना डिस्टर्ब सी, डिस्टर्ब हो गया, जो सोचा से होया नहीं और वाकई नहीं होया, जो सोच के गए थे वो भी नहीं हुआ और जिसके लिए गए थे वो भी नहीं होया। खैर हम वहाँ ना पहुँच गए हैं, जो तो बीस पत्र में रहते हैं ना उनको तो पता है, उनको तो हर अपने सिटी का ना, मैं सच्ची बात बताऊँ जिते तुम रहते हो ना उधर तुम्हें सारा पता होता है, सज्जे जाना है, खब्बे जाना है, सीधे जाना है तो किधर जाना है। यहाँ पे एक ना तुर्की मोहल्ला है, तुर्की मोहल्ला होता है जैसे हम पाकिस्तान में मोहल्ले में रहते हैं ऐसे ही, उन्होंने खुद के नाम डाले, हमारे बोले तो पाकिस्तान उन्होंने नाम डाले हैं, वो बेचारा की पता है कि मोहल्ला कहते हैं वो। असी लोग जरे ना देसी, असी ना तो नाम पा छड़े तुर्की मोहल्ला। तो यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स जो मुझे बिल्कुल नहीं लभी, पता नहीं कितने कितने केड़े केड़े बाजार में, खैर जो जो नजर आई वहाँ हम घुस गए। तो यहाँ पे आए हैं पिछले दिन में, जो मैंने नया मोबाइल लेके दिया था ना, मैं आपको बताऊँ मोबाइल मैंने इनको लेके दिया है, और टेंशन मुझे थी कि इसके ऊपर वापो डाल ले कवर, टूट ना जाए, गिर ना जाए। तो मुझे ये कह रहे कि तू मैनू गिफ्ट दिता है कि तेरा गिफ्ट में तेन मैनू इन्नी इन्नी टेंशन जिनी तेनों टेंशन है। मैंने कहा गल इंज वे कि जो तुम अपनी हत्थी पैसे लाओ ना फिर तुम दुख देने की चीज़ खराब ना हो जाए। तो मैं ताड़े लिए कह दी है कि तुम अगर चीज़ लैके दी तो तुम अच्छे तरीके ना हंडाओ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए, यहाँ तुर्की की शॉप सी, यहाँ लाजमी बात तुर्की मोहल्ला वे तुर्कियाँ ही दुकाना ने, यहाँ पे ना इनकी मौजे है। मैं ये कल देख के ना तो मैं कह रही थी कि अगर यही पूरा मोहल्ला साड़ा पाकिस्तानी का होंगे तो असं पाकिस्तानी मोहल्ला साड़ा ना पै जाना से, ठीक है। तो जो लोग तुर्की के यहाँ पे रहते उनको तो बड़ी मौजे, उनके खाने उनकी पसंद के, उनके मतलब उनके अपने खाने, उनकी बेकरी अपनी, उनकी मिठाइयों वाली दुकानें अपनी, उनके कपड़ों की दुकानें अपनी, पूरा बाजार उनका है, फुल इंजॉय। और ये देखे गोल्ड की अभी शॉप आई है, ये भी ना तुर्कियों का गोल्ड, गोल्ड तो गोल्ड ही है। मुझे ये कल समझ नहीं आ रही थी कि ये कितने कैरेट के, मैं अंदर नहीं गई लेकिन मैं अपने मियाँ से पूछ रही थी, मैं उनसे पूछ रही कितने कैरेट के, तो वो मैं यही कह रही थी अगर सऊदी अरेबिया में अगर आप जाते हैं तो गोल्ड लेके आते तो ना बंदा ना दुबई या सऊदी अरेबिया कहते असली सोना है, मैं लगता है भी असली होना वे। खैर मैंने ऐसे बाहर से ना चाती चुती मार के आगे चले गई हूँ, तो तुम मैं क्या नसी हूँ वाड़ गए टैडी साडा वो हिसाब है, दुनिया आसमान दुनिया चांद तक पहुँच रहे, चांद नहीं वेखन जाता है। असी मतलब कितने भी चले जाइए ना, असी अपनी जी बेसिक दुकाना ने असी उन्होंने नहीं भुलना। तो टैडी पे हम फटाफट घुस गए, देखने हम कुछ और आए हैं और टैडी पे चले गए, बच्चे टैडी को देख के खुश हो गए, हो टैडी आ गए। मैं क्या हाय हाय टैडी वेखना असी तो अपने शहर टैडी वेखना सी, तो मैंने पहले दा छड़ दे, मैं भी इन्ने पैसे ला के तो इतने लैके आई, मैं अपने शहर तुम्हें टैडी लै आती। खैर वही ना मजाक वाली बात, बच्चे खुश हो गए, उनकी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से उन्होंने टोकरी भर के ले ली। तो मेरे मियाँ ना गाड़ी को पार्क करने गए हुए थे, पहले तो पार्किंग नहीं लभ रही, हद तू ज्यादा फिरना पिया, एक गाड़ी लगी और एक गाड़ी लगी नहीं, कि हम दो गाड़ी में गए थे, जब गाड़ी घूम रहे थे ना घूम रहे थे तो मैं उसी वक्त मैंने पीछे से आस्ता से कह दिया कि हम घर ना चले जाए, हम अपने अपने मायके जाते हैं, हम अपने शहर जाते हैं। बच्चे देख के ऐसे घूम रहे थे मुझे, कह रहे मामा क्या करे, खुद ही ले आई और खुद ही अब डिसाइड करी वापस ना चले। मैंने कहा जितने चक्कर लगा ले ना असी तो पार्किंग नहीं लभी तो साड़ा घर जाना ही बंद आवे। खैर ये पार्किंग लगा के आ गए, पूछा था कहाँ पे है, मैं कहा हसीबे मामूल असी कितने हो सकने, अगर उस रास्ते तो जेड़ी भी दुकान तक लभ दी ना देसी साड़ी मर्जी वाली तो तुम वाड़ आओ। तो टैडी च सीधे ठा करके आ गए, ये देखे इनकी टोकरी शोकरी, बच्चों ने टाफियां जो भी इनकी अपनी चीजें थी, मिशाल ने अपनी ली, आफिया फा ने अपनी ली, तो इनको लेके अब हम बाहर आ गए हैं। तो यहाँ से हम अब जाएंगे खाना खाने, मेन हम ना ये था सलाह है करके आए थे कि यहाँ पे जो शॉप्स है ना छोटी मोटी कपड़ों वाली वो देखेंगे, जरा डिफरेंट होती है, इनके बर्तन बड़े मजेदार होते हैं वो मैं देखूंगी, लेकिन कख भी नहीं लगा। खैर यहाँ पे मेरी नंद रहती है, वो नंद मेरी उधर थी नहीं, वो अगे सफरे पे ने, नहीं तो उन्होंने नाल में आंधी तो सारा कुछ लाभ जाना सी। तो ये होटल का नाम है हारपूत, मैं इसका रिव्यू दूंगी,
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਫੀਕਾ ਪਕਵਾਨ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਇਨਕੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਆ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਕੀ ਸਰਵਿਸ ਬਸੂਰੀ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਇਨਕੀ। ਤੋ ਖੈਰ ਜੋ ਹਮਨੇ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਲੀਆ ਆਰਡਰ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੀ ਹੂੰ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਖਾਨਾ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਾ ਟੇਬਲ ਖਾਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਖਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੋ ਠੂੰਗਾ ਠਾਂਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਤੋਂ ਉਨਕੀ ਸਭ ਕੀ ਭੂਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਸਰਵਿਸ ਐਸੇ ਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਵਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਥਾ, ਯੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਤ, ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜੋ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਜੋ ਗਲੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲੇ, ਯੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਕਰੀ ਥੀ, ਇਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਕਾਫੀ ਜੈਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਟੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਥਾ, ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨੇ ਇਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਥੀ, ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਤ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਕਾ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਦੇਖੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਖੇ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਪੀਜ਼ਾ ਆਏ ਦੋ, ਇਕੱਠਾ ਖਾਣਾ ਰੱਖੇ, ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਨਕੋ ਜਬ ਮੇਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਮੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਮੇ ਚਾਵਲ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦੀਏ। ਚਾਵਲ ਕਿਆ ਥੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੋਤੇ ਨਾ, ਮੀਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿੱਕਾ ਬੋਟੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਆਪ ਪੂਮਸ ਕਰ ਲੇ, ਚਿਪਸ ਕਰ ਲੇ, ਔਰ ਵੋ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਚਿਪਸ ਹਮੇ ਅਲਗ ਸੇ ਬੋਲ ਸੇ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣੀ ਪੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੀ ਹੂੰ, ਚਿਪਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਜ਼ੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੀ ਹੂੰ। ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਨੀਚੇ ਰਾਈਸ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੋ ਬੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਚੜ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਤਨਾ ਮੁਝੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਨਕੋ ਐਸੇ ਵੋ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸੇ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਇਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਉਸਕੋ ਹਮੇ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਸਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਵਕਫੇ ਵਕਫੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਆਪ ਜਾਏ ਟਰਾਈ ਕਰੇ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀ, ਹਮਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣਾ ਥਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਯਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਯਹੀ ਦੱਸੇ ਹਮੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ, ਜੈਸੇ ਇਨਕਾ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹਮ ਇਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ਦਾਰ ਥੇ, ਉਹ ਹਮੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਥੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ, ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਇਤਨੀ ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਹਮੇ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਐਸੇ ਬੋਲ, ਜੈਸੇ ਇਨਕਾ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਨਕੀ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੁਝੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਵੋ ਥੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਜ ਉਹਨੇ ਲਗਾਏ ਥੇ, ਵੋ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਥੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਥੀ। ਆਪ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਤੋ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਪੇ ਰੁਕਣਾ ਤੋ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਈ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗੀ, ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਦੁਆ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।